जय हिंद दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर, अपने पर्सनल YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे 1.5 लाख बच्चों, जिसमें कि आर्मी एयरफोर्स का ज्वाइनिंग और एग्जाम बाकी था, उन बच्चों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है और उसमें 4-5 बच्चे से बस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहेंगे, आप लोगों की जीत में हमें जो भी मुहिम चलानी पड़ेगी उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। बस में असम के युवा आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब हमारी भर्ती हो गई, सरकार ने 1,50,000 युवाओं को सेना से निकाल दिया, जो एक्सेप्ट कर लिया था उनको रिजेक्ट कर लिया। हमारी सरकार हमारे इस बात को नहीं समझ रही है, वो हमारे जुनून को खत्म करने पर तुली हुई है। बहुत मेहनत किया था सर, तब जाकर मेरा भर्ती क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन सर कभी सोचा ही नहीं हमने। सर हमें जिंदा लाश बना दिया गया। मैं राहुल गांधी सर का वीडियो देखा था, तो वहाँ पे मिलने के लिए मेरा दोस्त लोग गया बिहार से, चंपारण से 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गया। जुहरात में भी कोशिश किया था मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया भीड़ ज़्यादा होने के बाद। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का अधिकार छीना गया। बचपन से सपना देखा था आर्मी में ज्वाइन होगा, लेकिन हम लोगों के साथ 9-7 क्या है, अभी तो हम डिप्रेशन में पड़ गए, हम कहा जाएगा अभी, ये हम सोचता रहता है दिन रात में। वीडियो में राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उस पर सारे बच्चे 1.5 लाख बच्चे अपना फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1.5 लाख बच्चों के द्वारा जो फॉर्म फिल किया जाएगा वे सारे फॉर्म को केंद्र सरकार के पास राहुल गांधी की टीम जमा करेगी। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी आर्मी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग और एग्ज़ाम वाले बच्चे थे सारे बच्चों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए और सारे बच्चों को अलर्ट पर रहने के लिए बोलिए। जैसे ही राहुल गांधी ऐसा कोई वेबसाइट बनाता है तो हम लोगों को बढ़ चढ़ कर उनका साथ देना है और केंद्र सरकार के साथ चल रही लड़ाई में हमें राहुल गांधी का साथ देना है। क्यों? क्योंकि जो 1.5 लाख बच्चे थे उनके पास कोई आशा नहीं है, वे आंदोलन करेंगे या कुछ भी करते हैं तो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अग्निवीर आने के बाद सरकार ने उन बच्चों का भविष्य खराब कर दिया जिनका कि आर्मी और एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, एकमात्र जरिया उन बच्चों के पास विपक्षी पार्टी बच जाती है जिसके कि द्वारा इस आंदोलन को बढ़ाया चढ़ाया जा सकता है और केंद्र सरकार से अपने हकों की मांग के लिए लड़ा जा सकता है। तो आप लोग हमेशा अलर्ट रहें, राहुल गांधी को फॉलो करके रखें और ये चीज़ को देखते रहें कि कब राहुल गांधी इन सभी टॉपिकों पर वीडियो बनाते हैं और ऐसा कोई साइट लॉन्च करते हैं और आप लोगों को वहाँ पर जा करके फॉर्म को फिल करना है और सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि आपका पेंडिंग भर्ती था। और एक जरूरी बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, चंपारण से 1100 किलोमीटर चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारे युवा जाकर धरना दे रहे थे, तो उन सभी बच्चों से राहुल गांधी मिले थे, उनके बाद ही ये मामला इतना बड़ा चढ़ा है और राहुल गांधी हर सभा में इस बार इन 1.5 लाख बच्चों के बारे में हमेशा बोलते हुए दिखाई देते रहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और विपक्षी पार्टी इस मुद्दा को बहुत बड़ा निशाना बनाएगी। 1,50,000 युवा हैं, हमने क्या गलती की? मैंने पूछा क्या हुआ, कहते राहुल जी 1,50,000 युवाओं ने सालों आर्मी में भर्ती करने की कोशिश की, टेस्ट लिया, रनिंग की, फिजिकल किया, मेडिकल किया, मोदी जी की सरकार ने हमें कह दिया, लिख के कह दिया कि आपको आर्मी में एक्सेप्ट कर दिया गया है। फिर कोविड आया, कहते कि अभी ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए, कोविड आया है, कोविड के बाद में आपको आर्मी में लिया जाएगा। 3 साल 1,50,000 युवाओं को नचाया, कहा कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, और फिर 3 साल बाद कहते हैं तुम्हें हम आर्मी में नहीं लेंगे। दिल्ली में जो धरना चल रहा है जंतर मंतर पर, 1 फरवरी से 4 फरवरी तक धरना जंतर मंतर पर करने का आदेश मिला है, तो आर्मी एयरफोर्स और नेवी के जितने भी बच्चे हैं जो जिनको कि अपना हक चाहिए वे सारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं और धरना दे सकते हैं, और जो जितने भी फिजिकल एकेडमी वाले हैं, जो भी एकेडमी आर्मी के बच्चों को तैयारी कराते हैं, वे सभी भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और जा करके अपने हक के लिए वहां पर बच्चे लड़ेंगे, तभी सरकार सुनेगी, क्योंकि इलेक्शन का समय है, आप लोग जीत सकते हैं। आप इसलिए डरे मत, अपने घरों से निकले और अपने हक के लिए लड़े, ये आपका हक है, आपको छीनना है क्योंकि सरकार ने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए आपको आपका हक मिलेगा, चाहे जैसे भी मिले लेकिन मिलेगा।
शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना है, किसी प्रकार की हम लोगों को हिंसा नहीं करनी है। इस वीडियो को आर्मी और एयरफोर्स के पेंडिंग भर्ती वाले सारे बच्चों को शेयर कीजिए और स्वतंत्र न्यूज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोहित राज ऑफिशियल, धन्यवाद।